नमस्कार, मीडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा जी। आइए जानेंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हमारी तरफ से। जो आप लक्ष्मी नगर विधानसभा ने आपको चुना, जनता ने चुना, आप यहाँ से विधायक हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और लक्ष्मी नगर की जनता और कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसा लग रहा है सर विधायक बनने के बाद आपको? अभी तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं विधायक हूँ जी। जी, कई बार लगता है कि सपना देख रहा हूँ जी। जी, लेकिन यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया है जी। जी, और इतना संघर्षपूर्ण मुकाबला था और जिस प्रकार से दिल्ली में एक वातावरण बना हुआ था जी, उस स्थिति में भी लक्ष्मीनगर को भाजपा ने पहली बार जीता है, तो निश्चित ही ये बड़ा ही हर्ष का विषय है जी। और जी, लक्ष्मीनगर विधानसभा में ऐसे क्या कार्य छूटे हुए हैं, जनता ने आपको चुना है, जो आप करना चाहेंगे? सब प्रथम देखिए, सबसे पहले मैं सीवर लाइन का काम करना चाहता हूँ। सीवर लाइन से पूरी लक्ष्मीनगर की जनता परेशान है जी। और अभी मेरी जो दो मीटिंग हुई है, वो दोनों मीटिंग भी सीवर लाइन को लेकर ही हुई है जी। और बहुत जल्दी एक अच्छी योजना लेके मैं आने वाला हूँ, और पूरे 5 साल में मैं ये स्थिति एक क्रिएट करूँगा कि सीवर लाइन को लेके कोई शिकायत नहीं करेगा जी। जी सर, जनता ने आपको चुना है और बहुत बड़ी संख्या में तो हम नहीं जीते, भाजपा ये 8 सीट ही रह पाई, 10 दशक भी पार नहीं कर पाए, 2 अंकों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। क्या कारण मानते हैं आप जो हम आगे नहीं जीत पाए? देखिए, कारण पे अभी चर्चा होगी जी। प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं भी उस सिस्टम में बैठूंगा और जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब 27 साल हो जाएगा हमारे वनवास का जी। जी जी, बिल्कुल। तो हम करेंगे तैयारी और निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी जी। जी, देश के सभी बड़े नेताओं ने इस बार संघर्ष किया दिल्ली विधानसभा में, काफ़ी फाइट भी रही। ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले सभी मतदाताओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जो राजनीति दिल्ली में चली जी, और उस राजनीति में वो फंसे नहीं, भाजपा के साथ कंधे से कंधे जोड़ के खड़े रहे, तो निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं। और हम 8 भी उनके उम्मीदों को पे खड़े उतरेंगे, हम 8 भी दिल्ली सरकार से दिल्ली के हित में काम करने को मजबूर करेंगे। आज भी पूरे पेज का ऐड आया है, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह के लिए हर अखबार में फुल पेज का ऐड देना, ये राजनीति दिल्ली की जनता पसंद नहीं करेगी। लेकिन आज वो जीते हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, और आशा करता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए वो काम करेंगे, प्रचार तंत्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जी। जी बिल्कुल सर, आप मानते हैं कि दिल्ली की जनता काफ़ी प्रयासरत रही, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो उनको जो खुशी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, और आज की भारतीय राजनीति में क्या बदलाव देख रहे हैं सर? एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछालते हैं, प्रत्यारोपण आरोप आरोप लगा देते हैं, तो भारतीय राजनीति की क्या स्थिति आज की डेट में? भारतीय राजनीति की अच्छी स्थिति है। देखिए, जब चुनाव चलता है तो आरोप लगते हैं और आरोप के जवाब भी मिलते हैं। हाँ, उसमें कुछ बातें ऐसी आती है जो नहीं कहना चाहिए, तो आगे से उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के लोग इन चीज़ों से परहेज करें जी। सर, जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको जो मुफ्त की जो राजनीति हो रही है, ये कहाँ लेके जाएगी देश को? देखिए, जब विकास नहीं होगा जी, जो कि पिछले 5 साल में एक भी फ्लाईओवर नहीं बने, एक भी स्कूल नहीं बने, एक भी हॉस्पिटल नहीं बने, तो अब धीरे धीरे समझेगी जनता जी। हम जनता को सच्चाई समझाने में असफल रहे जी, ये मैं मानता हूँ जी, जी, लेकिन समझ में आएगा जी, ये लंबा नहीं चल सकता जी, लोगों को विकास चाहिए जी। दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? दिल्ली की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से वोट किया, ठीक है, भाजपा रह गई, कोई बात नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उन्होंने वोटिंग किया है वो सरकार उनके उम्मीदों पे खरा उतरे, नहीं तो हम उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे
और उनको तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मैं वादा करता हूँ जी। धन्यवाद सर। नमस्कार।